चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसकी लॉन्चिंग की तारीख भी सामने आ चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी के इसरो 13 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। लॉन्चिंग किस वक्त होगी इसकी जानकारी भी सामने आ गई है। बता दें कि चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से 13 जुलाई को दोपहर 2:30 पर लॉन्च किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 13 जुलाई को दोपहर 2:30 निर्धारित की गई है। चंद्रयान 3 अगर 13 जुलाई 2023 की दोपहर 2:30 छोड़ा जाता है तो इस तारीख में इसरो की ये दूसरी लॉन्चिंग होगी, क्योंकि इससे पहले इसरो ने 13 जुलाई 1988 में SROSS की लॉन्चिंग की थी जो कि फेल हो गई थी, और ये एक निगरानी सैटेलाइट था जिसे ASLV-D2 से लॉन्च किया गया था। 35 साल पहले 13 जुलाई 1988 को इसरो ने SROSS की लॉन्चिंग की थी जो फेल हो गई थी। इसरो संभवत फिर से इसी तारीख को यानी कि 13 जुलाई 2023 की दोपहर को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कर रहा है। इसरो के लिए जुलाई और अगस्त का महीना कभी भी लॉन्चिंग के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं रहा है, और अगर सक्सेस रेट की बात की जाए तो इसका सक्सेस रेट भी कम रहा है। इसरो ने 1975 से अब तक जुलाई के महीने 11 लॉन्चिंग की है। इसमें से 3 लॉन्चिंग फेल हो चुकी हैं। पहली हुई थी 10 जुलाई 2006 को INSAT-4C, दूसरी हुई थी 22 जुलाई 1988 को INSAT-1C, और तीसरी 13 जुलाई 1988 को SROSS की लॉन्चिंग हुई थी जो कि फेल हो गई थी। यानी कि सक्सेस रेट की बात की जाए तो करीब 72.72% इसका सक्सेस रेट रहा है, जबकि जनवरी फरवरी मई अक्टूबर और नवंबर में लॉन्चिंग करने पर इसरो को 100% सफलता मिली है। साथ ही बात की जाए अगर मार्च अप्रैल जून सितंबर और दिसंबर में इसरो को 87% से लेकर 90% तक सफलता मिली है। और वैसे भी चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद चंद्रयान 3 में काफी मेजर बदलाव भी किए गए हैं, जिसके बाद इसके फेल होने की जो संभावना है वो वैसे तो ना के बराबर है। और इन सभी बदलावों और चंद्रयान 3 पर हमारा 1 डिटेल्ड वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है दोस्तों। उसे देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आपको क्या लगता है चंद्रयान 3 इस मिशन पर इस बार सफल रहेगा या नहीं, और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।